तो भाई लोग आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो मैच नंबर 29 है ना, इस मैच में इंडिया के सामने होंगे, भारत के सामने होंगे अंग्रेज यानी इंग्लैंड। भारत की बात करते जो पांच मैच खेला, पांचों जीत गया, बोला हमें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अंग्रेजों की बात करें जो पांच मैच खेला उसमें से चार मैच जीते नहीं है भाई साहब, हारे हैं, बस एक मैच जीता है। तो क्या अंग्रेजों को फिर से भगाएंगे भारत से, चल भाग, या फिर जो अंग्रेज होंगे भैया वो बोलेंगे ना जी ना, हम तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं तो मेहमानों की इतनी बेइज्जती आप ना कर सकते, हम तो टक्कर देंगे या आपको मैच हरा सकते। तो मतलब कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच, यही जानेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को देख के ना आप 2500 का गिब्बे जीत सकते हैं। तो पुराने लोग होंगे बोलेंगे भैया आप पहले 5100 देते थे, अभी 2500 देते हैं, भैया अभी भी उतना ही है, 2500 इस वीडियो में गिब्बे मिलेगा, 2500 मिलेगा जो फंटेसी वाली वीडियो होगी उसमें। तो फंटेसी वाली पूरी वीडियो देखे, उसमें सवाल पूछा जाएगा, वहां पर भी जीत सकते हैं, यहाँ पर भी जीते। तो के बीच में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका सही जवाब देके आप 2500 रुपए गिब्बे जीत सकते हैं, वो भी एक नहीं 11 लोग। जैसे एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं टीम को जिताने के लिए, वैसे 11 लोग गिब्बे भी जीतेंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। तो भैया जो मैच है संडे 29 अक्टूबर इंडिया टाइम अनुसार 2 बजे से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। जैसा लग रहा था कि मैं कोई कविता पढ़ रहा हूं। और इस मैच में अभी तक 7 ODI मुकाबले खेले गए, 3 में टारगेट डिफेंड हुआ, 4 में टारगेट चेज। मतलब देखे तो चेज और डिफेंड की जो कहानी है बराबरी की, मतलब यहां का जो पिच होता है चाहे पहले बल्लेबाजी कर लो बाद में बल्लेबाजी कर लो एक जैसा ही रहता है अगर DUCU ना आई तो। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 255, 255 रन, मतलब मीडियम स्कोरिंग मैच होता है। टारगेट चेज की बात करें तो 240, 240 के नीचे स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें 270, 270 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 240 से 270 के बीच में होगा तो समझ जाना मामला बुखार वाला है, बुखार मतलब बीच का हो गया यार, मतलब चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। इस मैदान का जो सरफेस है ना, पहले गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छा था, बहुत स्लो था, लेकिन IPL के बाद ना पिच को पूरा खोद डाला, नई पिच बनाई गई। अभी यहाँ का जो पिच है वो भले ही ड्राई एंड हार्ड है लेकिन शुरू में 5-6 ओवर तेज गेंदबाजों का हेल्प मिलता है, लेकिन उसके बाद जो बॉल होता है बैट पे अच्छे से आता है क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है अब बैटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। स्पिनर्स को हेल्प करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करता, जब बॉल पुराना हो जाता है थोड़ा सा सरफेस यूज हो जाता है तो थोड़ा बहुत घुमा करता है ग्रिप के साथ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करता। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 70 मीटर के आसपास की बाउंड्री है ना, मतलब बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। तो ODI के हिसाब से बहुत अच्छा मैदान है मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा बहुत बल्लेबाजों के लिए, थोड़ा बहुत तेज गेंदबाजों के लिए, थोड़ा बहुत स्पिन गेंदबाजों के लिए, सबके लिए है। आओ बढ़िया परफॉर्म करो, बढ़िया आपका टीम मैच जीतेगी। तो भैया आज के मैच में यहाँ के मैदान पे कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी, उससे पहले मैं मैच की बात करूँ तो मुझे लगता है मीडियम स्कोरिंग मैच होगा। जो स्टार्टिंग का पावर प्ले का स्कोर होगा 1 से 10 ओवर, उसमें आपको 40 से 45 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकते हैं। 40 ओवर की बात करते 160 से 180 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। 50 ओवर स्कोर की बात करें तो 250 से 280 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारी भारतीय टीम ने एक मैच खेला है हार गए, मतलब श्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम पे हमारी भारतीय टीम की जो शुरुआत हुई है वो अच्छी नहीं हुई है, जो एक मैच खेला है हार गए हैं। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी वाला मैदान हमारे भारतीयों को पसंद ना आया, ये तो बोलेंगे ना आई हेट दिस ग्राउंड, मुझे पसंद ही ना आया। अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज पहली बार यहाँ के मैदान पर मैच खेलेंगे तो हमारी भारतीय टीम की शुरुआत इस मैदान पर अच्छी ना हुई है, अंग्रेज यहाँ पर पहली बार खेलेंगे तो आज के मैच में क्या होगा, चलो एनालिसिस करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन टीम की, तो मुझे लगता है सेम प्लेइंग 11 के साथ भारत उतरेगा। अगर थोड़ा सा स्पिन को हेल्प वाली पिच होगी तो मैं भी रविचंद्रन अश्विन को घुसा सकते हैं किसी की जगह पे, बाकी मुझे लगता है कि सेम टीम रहने वाली है इंडिया के। अंग्रेजों की बात करें तो आई थिंक दो चेंज हो सकता है, पहला हैरी ब्रुक जॉनी जोनियस बाबा की जगह पे ओपन कर सकते हैं, दूसरे चेंजेस की बात करें तो मार्क वुड की जगह पे ब्रेंडन कार्स खेल सकते हैं। तो ये दो चेंज हो सकते हैं अंग्रेजों के खेमे में। अब हम करते हैं यहाँ पे कंपेरिजन, तो इधर होंगे अपने रोहित मैन शर्मा। वर्ल्ड कप में इनसे अच्छा कोई बल्लेबाज है नहीं, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, जो करंट फॉर्म है शर्मा की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इधर होंगे हैरी ब्रुक या फिर जॉनी जोनियस बाबा। हैरी ब्रुक तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस में ना रोहित शर्मा हैरी ब्रुक के बाप लगे, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और जॉनी बेस्टो के भी बाप लगेंगे रोहित शर्मा। और करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो ना तो हैरी ब्रुक की अच्छी है ना तो जॉनी बेस्टो की अच्छी है, तो यहाँ पे कोई भी आ जाए अपना शर्मा कलौंडा आगे ही रहेगा। रोहित शर्मा बहुत बढ़िया, हैरी ब्रुक जॉनी जोनियस बाबा दोनों मिला के बिना रोहित शर्मा को पीछे ना छोड़ पाएंगे। आगे चले तो इधर है डेविड मलान। डेविड मलान की बात करें तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, जो करंट परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। अंग्रेजों के लिए सबसे ज़्यादा रन कौन बना रहा है, डेविड मलान बना रहा है, तो करंट फॉर्म इनकी अच्छी है। इधर है शुभमन गिल,
तो शुभमन गिल को भी हमने ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चुका है। जो करंट फॉर्म है शुभमन गिल की वो भी बहुत अच्छी है, लगातार सभी मैचों में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों खिलाड़ी हैं एक जैसे, तो यहाँ पे जो लड़ाई है ना टक्कर की है, डेविड मलान शुभमन गिल थोड़ा सा बराबरी पे नजर आ रहे हैं। आगे चले तो इधर होंगे विराट कोहली। किंग कोहली की बात करें तो सात अजूबे में से एक अजूबा आता है, मतलब सबसे खतरनाक वाला, सबसे पहले नंबर वाला अजूबा है, क्योंकि इनकी जो बल्लेबाजी रहती है वो बहुत जबरदस्त रहती है। आप सबको पता है एक्सपीरियंस की कोई कमी है नहीं है, करंट फॉर्म खराब है बहुत अच्छी है। इधर होंगे जो रूट, जो रूट की बात करें तो सात अजूबे में एक अजूबे में ये भी आते हैं, लेकिन ये अजूबा ना अभी थोड़ा सा बुझा हुआ है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो करंट फॉर्म है जो रूट की बहुत ज्यादा खराब है, काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्ले से रन नहीं निकल रहा। तो एक्सपीरियंस के मामले में दोनों खिलाड़ी एक जैसे, लेकिन भाई साहब जो करंट परफॉर्मेंस है ना वो किंग कोहली को काफी ज्यादा आगे ले जाके खड़ा करती है, किससे, जो रूट से, क्योंकि जो रूट रास्ता भटक गए हैं, रॉन्ग टर्न पे चल रहे हैं। आगे चले तो इधर होंगे बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स की बात करें तो मैं मानता हूं खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा कमाल का है, काफी ज्यादा इनको एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जो करंट फॉर्म है ना इनकी भी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा चोट से भी जूझ रहे हैं। इधर है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की बात करें तो जितना एक्सपीरियंस बेन स्टोक्स का उतना एक्सपीरियंस श्रेयस अय्यर को बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बेन स्टोक्स बाप लगेंगे श्रेयस अय्यर के, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस। अब जो करंट परफॉर्मेंस है ना श्रेयस अय्यर की भी उतनी अच्छी नहीं है, शुरुआत मिल रही है, लंबी पारी नहीं खेल पा रहे। तो दोनों प्लेयर की जो करंट परफॉर्मेंस है ना, चाहे श्रेयस की बात करो या स्टोक की बात करो, एक जैसी है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है बेन स्टोक्स का वो श्रेयस अय्यर से आगे ले जाता है। तो यहाँ पे बेन स्टोक्स आगे, श्रेयस अय्यर थोड़ा सा पीछे। आगे चले तो इधर है के एल राहुल, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, काफी बढ़िया इनको एक्सपीरियंस है, जो करंट फॉर्म है काफी ज्यादा कमाल किया है, मतलब राहुल लाजवाब ही लग रहा है, सभी मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, सट्टी के जैसे धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा है। और इधर है अपना जोश द बोस, इनका नाम बोस है लेकिन जो काम है ना अभी बहुत ही खराब चल रहा है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो करंट फॉर्म है जोश बटलर की आप सबको पता बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों खिलाड़ी एक जैसे हैं, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है केएल राहुल की ना, और जोश यानी बोस को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ रहे थे। यहाँ पे अपना केएल राहुल आगे, जोश द बोस काफ़ी ज़्यादा पीछे। और आगे चले तो इधर है लियाम लिविंगस्टन। लियाम लिविंगस्टन को मैं ना इंसान नहीं एलियन विलियन बोलूंगा, क्योंकि बल्लेबाजी तो बढ़िया करते हैं, साथ में ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों डालते हैं, जैसी सिचुएशन हो वैसी गेंदबाजी करते हैं। हालांकि जो करंट फॉर्म है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक इनका एक्सपीरियंस है। इधर है अपना सूर्या कुमार। तो सूर्या T20 में होता तो जो चमकता है ना, जो जलाता है ना, मैं तो कोई भी आ जाए बोलूंगा सूर्या आगे, लेकिन ODI में इनका जो ग्रहण है ना वो लगा रहता, सूर्या चमक ही नहीं पाता, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, करंट परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो लियाम लिविंगस्टन है ना वो सूर्या कुमार यादव से बेहतर नजर आ रहे हैं। और आगे चले इधर है अपना जड्डू, रविंद्र जडेजा की बात करें तो ये तलवार किसको याद नहीं रहती। जड्डू की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है, एक्सपीरियंस की कोई कमी है ना जी, बिल्कुल भी कोई कमी ना है, लगातार खेले जा रहे हैं ODI पे, ODI बढ़िया परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं। इधर है मोइन अली, ओह चचा अस्सलाम वालेकुम, इनका भी जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत दिनों से इंग्लैंड के लिए ODI क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा खराब है, ना तो बल्ला चल रहा है मोइन अली का, ना गेंदबाजी चल रही है। तो दोनों खिलाड़ी एक्सपीरियंस में एक जैसे, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है जड्डू की बहुत ज़्यादा आगे, मोइन चचा थोड़ा सा पीछे नजर आ रहे हैं। तो भाई लोग हम यहाँ पे आगे कंपेरिजन करें, उससे पहले मैं आज का जो सवाल है वो पूछ लेता हूँ। तो भैया आज का सवाल ये है, दोनों टीमों में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं सबसे ज्यादा रन बनाएगा। आज का सवाल क्या है, दोनों टीमों में से कौन से खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप 2500 रुपए का गिव्वे अपने नाम पे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो आप जीतोगे नहीं। तो जाओ कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा अगर आपका जवाब सही हुआ तो। जब सबसे पहले सही जवाब देगा उनको मिलेगा 500 रुपए, अगले 10 लोग जो सही जवाब देंगे उनको मिलेगा 200 रुपए। बाकी जब कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताने जाना ना, तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहला वाला कमेंट होगा वहां पे मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अगर आप सही जवाब दोगे तो जो आपका नाम है कहां पे अनाउंस होगा, मेरे टेलीग्राम पे अनाउंस होगा, आपको पेमेंट भी वहीं पे मिलेगी, तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो अगले कंपेरिजन की तरफ बढ़े तो इधर होंगे अपने मोहम्मद शमी भाई साहब। शमी भाई साहब क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त, मतलब एक्सपीरियंस की बात करें तो अच्छे अच्छों के बाप है, करंट परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इधर है क्रिस वोक्स, जिनके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है लेकिन जो करंट फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो यहाँ पे जो अपने शमी भाई साहब है ना वो आगे, मतलब बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, किससे, अकॉर्डिंग क्रिस वोक्स के। और आगे चले इधर होंगे डेविड बिली। डेविड बिली की बात करें तो इनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस है लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है इनकी भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और इधर होंगे अपने कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की बात करें तो कमाल के गेंदबाज है, एक्सपीरियंस बढ़िया है, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है मैं बोलूँगा उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि एक आधा विकेट मिल रहा है अपने कुलदीप
को ज्यादा नहीं मिल रहा और डेविड विली थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ना मुझे ये मामला है ना कुलदीप और डेविड विली का ये थोड़ा सा बराबरी का नजर आ रहा है। आगे चले तो इधर होंगे जसप्रीत बुमराह। जस्सी जैसे तो कोई है नहीं, करंट परफॉर्मेंस खराब है भाई साहब, बहुत अच्छी है, बल्लेबाजों को डंडर तोड़ने के साथ साथ पैर भी तोड़ देता है सभी मैचों में, अपना बुमराह 2-3 विकेट निकालता है और एक्सपीरियंस की कोई कमी ना, बिल्कुल भी कमी ना है। और इधर है आदिल रशीद। आदिल रशीद की बात करें जो एक्सपीरियंस की कमी है ना जी, बिल्कुल भी ना कमी है, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, किसी मैच में विकेट मिल रहा है किसी मैच में विकेट ना मिल रहा है। यहाँ पर जो अपना बुमराह है जस्सी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो बुमराह बहुत आगे, आदिल जज्जा थोड़ा सा पीछे। आगे चले तो इधर होंगे ब्रेंडन कास। ब्रेंडन कास की बात करें तो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो करंट फॉर्म है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये तो टीम में थे नहीं, वो तो रिस्टोपली गए, बोला मैं नहीं खेल रहा, तो ब्रेंडन कास बोला मैं खेल लूंगा, तो ब्रेंडन कास तब आए हैं। इधर हैं अपने मियां भाई। मोहम्मद सिराज की बात करें तो जो करंट परफॉर्मेंस है अच्छी है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी इनको हो चला है, और जब ये खाते हैं ना तो ऐसा बल्लेबाजों को खाते हैं कि एक मैच में 6-6 विकेट खा जाते हैं। तो यहाँ पर जो मियां भाई हैं मोहम्मद सिराज ब्रेंडन कास से बहुत आगे, बोल लेंगे तुम्हारी कार नैनो, मेरी जो कार है वेलार, रेंज रोवर वेलार। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मियां भाई आ गए, ये लौंडा पीछे, ब्रेंडन कास पीछे। तो हम यहाँ पे कंपेरिजन करने के बाद देखें तो अपनी इंडिया की टीम है ना इंग्लैंड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं आखिरी के 6 मैच में भारत ने 5 मैच जीता, बस 1 मैच हारा। जब जस्ट परफॉर्म कर रहा है इंग्लैंड की बात करें तो अंग्रेजों ने आखिरी के 6 मैच में बस 2 मैच जीता, 4 मैच हारा। तो इनकी जो दुर्दशा है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इस दौरान जो अंग्रेजों का बल्लेबाजी एवरेज है 280 ओडीआई में ठीक ठाक कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं कह सकते। भारत की बात करें तो 313 भाई साहब, 313 का बल्लेबाजी एवरेज है, यानी भारत की जो बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रही है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो भारत का है 5.27 जो गेंदबाजी एवरेज होता है, ये भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तभी तो भारत ने आखिरी के 6 मैच में 5 मैच जीता, बस 1 मैच हारा। अंग्रेजों की बात करें तो 6.54, तो इनका जो गेंदबाजी एवरेज है ना वो भी काफी ज्यादा महंगा, यानी अंग्रेजों की ना बल्लेबाजी ढंग से चल रही ना गेंदबाजी बढ़िया चल रही है। तभी आखिरी के 6 मैच में बस 2 मैच जीता, 4 मैच हारे। अगर हम यहाँ पे रिजल्ट में देखें तो भारत की टीम आगे, बल्लेबाजी एवरेज में भारत की टीम आगे, गेंदबाजी एवरेज में भारत की टीम आगे, तो अंग्रेज तो बहुत ज्यादा पीछे हैं। हेड टू हेड की बात करें तो अभी तक 103 बार भारत और इंग्लैंड के बीच में ओडीआई मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने 57 मैच जीता, अंग्रेजों ने 44 जीते, 2 मैच टाई रहा, यानी ओवरऑल रिकॉर्ड में भी तो हम भारतीय आगे हैं किससे, अंग्रेजों से। वर्ल्ड कप की बात करें तो 8 मैच खेले गए इन दोनों के बीच में, 4 मैच अंग्रेजों ने जीता, 3 मैच भारत ने जीता, 1 मैच टाई रहा, यानी जो भारत की टीम है ना अंग्रेजों को बराबर की टक्कर देती है किसमें, वर्ल्ड कप में, आगे वागे ना जाने देती। भारत की सरजमीन पे अंग्रेजों ने 51 ओडीआई मुकाबला खेला, जिसमें से भारत ने 33 मैच जीता, अंग्रेजों ने 17 मैच जीता, 1 मैच टाई रहा, यानी अपने घर में अंग्रेजों को ना कब्जा ना करने देगी। एक बार कर लिया अंग्रेज भाई साहब आपने कब्जा, अब तो ना करने देगी, चाहे क्रिकेट मैच होगा या हॉकी मैच होगा। तो ओडीआई में अपने घर में भारत ने अंग्रेजों के सामने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो भारत ने 3 मैच जीता, अंग्रेजों ने जीते 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट के 5 मुकाबलों में बिल्कुल थोड़ा सा भारत आ गए, लेकिन भैया आगे तो आगे होता है ना, फिर चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। तो आज के मैच में क्या होगा, क्या भारत फिर से अपनी बाहें फैलाएगा, इंडिया इंडिया चिल्लाएगा, करेगा हर मैदान फतेह, या फिर जो अंग्रेज है वो करेगा वापसी, करेगा पलटवार, लेगा पिछली हारों का बदला, चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले ना जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो भाई का सपोर्ट करना बनता है ना। करना क्या भाई साहब, कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करते हैं, जो मैच है ना 65 एंड 35 इंडिया, 35 अंग्रेज इंग्लैंड। और दोस्तों मुझे भी तो यही लगता है जो मैच है टीम इंडिया अपने नाम पे करेगा, हम फिर से चिल्लाएंगे इंडिया इंडिया इंडिया, हम फिर से करेंगे सेलिब्रेट। आपको क्या लगता है इंडिया जीतेगा? तो अगर इंडिया जीतेगा तो इसी नाम पे ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना, बाकी मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वर्ल्ड कप में जबरदस्त मैचेस चल रहे हैं, जबरदस्त मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलेगी भाई साहब, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जरूर ज्वाइन करें, बस फेक से बचें। फेक से बचने के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, या कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट है ना वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, तो बस वहीं से ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।